सफल इंसान अपनी सफलता का झूठा ढोंग नहीं करता है, मगर अक्सर जो असफल इंसान होते हैं वो अपनी सफलता का झूठा दिखावा करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा, हाजिर हूँ आपके सामने आज की नई कहानी लेकर जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। करीब 30 सालों के बाद होटल के एक लॉबी में रवि की मुलाकात अपने पुराने दोस्त विजय से हुई। जब मुलाकात हुई तो मानो बरसों पुरानी यादें ताजा हो गई हों। पुरानी बातों के साथ दोनों दोस्त गप करने लगे। उसके बाद विजय अपनी मर्सिडीज गाड़ी दिखाने का आग्रह कर अपने दोस्त रवि को होटल के बाहर ले गया। वो उसे कार दिखाकर अपनी खुशी जाहिर करने लगा। बाद में उसकी मंशा उसे डिनर के बहाने अपने घर ले जाकर सुंदर और बेशकीमती घर भी दिखाने की थी। वो राजी हो गया और दोनों चल पड़े। विजय ने रवि का परिचय अपनी बीवी से कराया। हाँ, क्या था, घर पर बैठ पुरानी बातें शुरू हो गई। बीच बीच में विजय समझाने की कोशिश करता रहा कि ऑफिस के काम से अक्सर उसे विदेश जाना पड़ता है। विदेशों में भ्रमण के दौरान वो कई सारी खूबसूरत वादियों की सैर भी करता है। वो अपने दोस्त को उसकी तस्वीर दिखाते हुए ये जताना चाह रहा था कि हमारा जीवन कितना आकर्षक है, कितना मनमोहक है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में शहर में होने वाले आर्ट गैलरी प्रदर्शनी का जिक्र कर ये जताना चाह रहा था कि मेरे पास केवल सुंदर व कीमती मकान और गाड़ी ही नहीं, हमारे पास एक सुंदर कलाकृतियों को समझने वाली शिल्पकारी रुचि भी है। इसी क्रम में रवि ने एल्बम की सभी फोटो को ध्यान से देखा और प्रशंसा भी की। बाद में ऐसा लगा कि उसकी उपलब्धियों से वो खुश तो हो रहा था, मगर उसका उतना ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं था। फिर रवि ने कहा कि कभी अपने पुराने यार दोस्तों व शिक्षकों को भी याद कर लिया करो, उनकी भी खबर ले लिया करो। अब विजय को लगा कि उसकी निजी बातों को उससे ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है, तब उसने बचपन की बातें करना शुरू कर दी। पूछा, हमारे पुराने उम्रदराज शिक्षक और मित्र कैसे हैं? दो दोस्तों की ये बातें वहां पर बैठी विजय की पत्नी को अच्छी नहीं लग रही थी, वो बोर हो रही थी। वो बोली, बचपन की यादों में खोए रहने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, सभी का बचपन होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन बातों को सुन रवि को थोड़ी हिचक महसूस हुई। वो डिनर के बाद वहां से चला गया। कुछ हफ्तों के बाद रवि ने विजय को फोन किया। रवि ने अपने घर का पता बताकर विजय को अपने यहाँ डिनर के लिए बुला लिया, मगर विजय की पत्नी इस पर रुचि नहीं दिखा रही थी। बहुत कहने पर जाने को राजी हुई। विजय रवि के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखा कि उसके घर में कोई चमक तो नहीं थी, मगर बहुत सलीके से घर सजा हुआ था। एकाएक उसकी नजर कोने में टेबल पर रखे एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स पर गई। ये गिफ्ट बॉक्स उसी कंपनी से आया हुआ लग रहा था जहां विजय काम करता था। उसने हड़बड़ाकर अपने मित्र से पूछा, ये तो मेरी कंपनी का ही गिफ्ट है, क्या तुम मेरी कंपनी में किसी को जानते हो? रवि ने कहा, डेविड ने भेजा है। उसने कहा, कौन डेविड? तुम्हारा मतलब डेविड थॉमसन से है क्या? उसने कहा, हाँ वही। विजय ने हैरान होकर कहा, वो तो मेरी कंपनी का एमडी है, उसे तुम कैसे जानते हो? अब विजय के मन में बहुत सारे प्रश्न एक साथ खड़े होने लगे। जहां तक उसकी जानकारी थी, डेविड उस कंपनी का 30% का मालिक है और बाकी 70% का मालिक डेविड का कोई दोस्त है। कंपनी का मालिक भी वही दोस्त है। कुछ सेकंड पहले उसकी कल्पना में भी नहीं था कि कुछ पलों में उसे इतने बड़े आश्चर्य का सामना करना होगा। अब उसे लगा कि जिस शख्स को बार बार अपनी कीमती मर्सिडीज, कीमती मकान, साज सज्जा व अन्य सामान दिखाकर अपने बड़े होने का प्रदर्शन कर रहा था, अब उसे सर सर कहना शुरू कर दिया। एक बार ऐसा लगा कि मित्र को सर नहीं कहना चाहिए। एक मन ये भी कह रहा था, जो मेरे एमडी का दोस्त है और कंपनी के 70% का मालिक होने के साथ पूरे जमीन व संपत्ति का भी मालिक है, अब उसे सर ना कहे तो क्या कहूं? उसे लगा उसके दंभ, अहंकार व घमंड के गुब्बारे की हवा एक क्षण में निकल गई। किसी तरह डिनर समाप्त कर घर लौटा। गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ चुपचाप बैठा रहा। उसकी पत्नी उससे कहीं ज्यादा मौन दिख रही थी। वो साफ तौर पर समझ पा रहा था कि समय उसके मन में क्या चल रहा है। और तभी बचपन में गुरुजी की कही हुई बात उसे याद आने लगी, जिसमें गुरुजी कहा करते थे कि जो नदी जितनी गहरी होती है उसके बहने का शोर उतना ही कम होता है। तो इस दो दोस्तों की कहानी को सुनकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सफल व्यक्ति होता है, जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है, वो अपने टैलेंट का या फिर अपनी संपत्ति का या फिर अपने अमीर होने का शोर शराबा नहीं करता, दिखावा नहीं करता, बल्कि जो लोग कम सफल होते हैं वो अपने दिखावे में ज़्यादा मशहूर होते हैं।
कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज्यादा अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना है लाइव सिटीज के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और गुड नाइट विद शिप्रा के और भी स्टोरीज सुनने के लिए आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेज।